फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बेसन के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाता है और एक कप के बेसन से आप डेढ़ सारा हलवा बना सकते हैं और घर में सबको खुश कर सकते हैं। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ना हो तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन हलवे में घी का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑयल से ज़रा मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, एक कप के बराबर मैंने इसमें बेसन लिया है। अच्छी तरीके से उसको मैंने छान लिया था ताकि वो मतलब उसमें कोई गुठली या गंदगी सा ना रहे, मिट्टी सा ना रहे, प्रॉपर वो छना हुआ। अच्छा जी, मैंने इसको घी में अच्छी तरीके से भूनना है कि इसका कलर आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है और पूरा खुश्क हो चुका है। इसमें भुनाई मेन है, भुनाई करते रहना है इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक मिल्क रेडी किया है जिसमें मैंने आधा कप मिल्क है और ज़ाफ़रान मैंने डाला है। अगर ज़ाफ़रान आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल एक पिंच के बराबर मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाला है। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बेसन की भुनाई ऑलरेडी और अच्छी तरीके से मैं करती रही हूँ। अब यहाँ पे अब पानी की बारी आई है, क्योंकि जब पानी डलता है तो वो बेसन फूलता है, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली हमें पानी डालना है, एक साथ ही नहीं डालना। थोड़ा सा पानी डालें फिर भुनाई करें, थोड़ा पानी डालें फिर। लगभग मैंने एक कप के बराबर, एक कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब मैंने भुनाई के बाद चीनी ऐड की है, वो मैंने हसबे ज़ायका डाली है। चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि वो मज़ा आता है, चीनी कम हो तो हलवे में मज़ा नहीं आता। अच्छा खैर, यहाँ पे चीनी डालने के बाद अच्छी तरीके से भुनाई मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। अगर इस बीच आपको घी कम लगे तो आप ऑल मतलब ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने दूध रेडी किया था ज़ाफ़रान वाला, वो इसमें ऐड कर दिया है मैंने। वो डालने के बाद दोबारा से मैंने अच्छी तरीके से भुनाई की है। एंड में ये ट्विस्ट है कि यहाँ 2 खाने के चम्मच मैंने भर के मलाई डाली है, जो दूध की मलाई होती है वो मैंने डाली है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर की मलाई थी तो वो मैंने इस्तेमाल की है। ये आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल घी हमारा अच्छी तरीके से ड्राई हो गया, हलवे का कलर चेंज हो गया है, इसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगी है, कच्चे पने की स्मेल ख़त्म हो गई है। आप इससे जज कर सकते हैं कि हलवा रेडी है। इसके ऊपर आपको अपनी पसंद के जितने भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने पिसा हुआ खोपरा, काजू, बादाम से इसको गार्निश किया है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दो में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।